सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। जन्नत जुबैर रहमानी और फैजल शेख यानी आपके फैजू रामजी गुलाटी संग लेकर आए एक नया म्यूजिक वीडियो मर्दा सारा इंडिया और उन्होंने रखा एक खास लॉन्च। यह लॉन्च पे काफी सारे उनके इंडस्ट्री फ्रेंड्स उन्हें कंग्रेचुलेशन करने के लिए पहुंचे, तो चलिए जानते हैं सबसे क्या था सबका कहना। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड और आज जितना प्यार मिल रहा है हमें यूट्यूब पे, गाना ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमें मोर देन 1 लाख कमेंट्स मिले हैं हमारे वीडियो पे एंड मोर देन आई थिंक 300K लाइक्स, 1 लाख हो गए एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट टू टच 1 लाख कमेंट्स। अभी हाल ही में सुबह ही गाना लॉन्च हुआ और 1 लाख कमेंट्स इज़ लाइक वेरी वेरी बिग फॉर ऑल ऑफ अस। सो ये सब आपका प्यार है एंड थैंक यू सो मच। वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये हमारा तीसरा गाना है, हमने पहला गाना किया था तेरे बिन कीवे फॉलोड बाई फ्रूटी लग दी है और इतना प्यार मिला हमें एंड हमेशा हमें प्यार मिलता है जब भी हम साथ में आते हैं एंड वी सो हैप्पी दैट हमें कभी किसी की नज़र नहीं लगे और हम ऐसे ही साथ में करते रहें। बाकी फैजू पाजी बोलो वही बोले जा रहा हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम लोगों का कमबैक भी जो जैसे फ्रूटी था और उस पर एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी हम लोगों की और उसमें भी बहुत अच्छा प्यार मिला और इस वीडियो में भी हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिला है। हम लोग ने लास्ट टाइम फ्रूटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, मतलब इतने कम टाइम में कमेंट कवर नहीं हुए थे जितना फास्ट ये हमने हमारा ही नहीं, मतलब आई थिंक इन द इंडस्ट्री ऑल्सो वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट या फास्टेस्ट होंगे टू टच 1 लाख कमेंट्स। I was very excited and I'm very excited today. I think पूरे एक साल के बाद तो हम एक कोई सॉन्ग लॉन्च अटेंड कर रहे हैं, I think after Fruity यही वाला एक लॉन्च हो रहा है जिसको अटेंड कर रहे हैं, so obviously and जब भी हमारा गाना आता है it's always very special और लोग बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार देते हैं और सुबह से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इनफैक्ट गाना आने के पहले जब से हमने अनाउंसमेंट की थी तब से ही लोग इतना एक्साइटेड थे, वो वेट ही नहीं कर पा रहे थे, सो उनकी एक्साइटमेंट देखकर भी बहुत खुशी होती है और वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। मुझे तो लग रहा था बहुत मुझे बहुत डर लग रहा था और यहाँ से जाने के बाद भी आई वॉज वेरी स्कैड, अरे बाप रे मैं एयरपोर्ट से ट्रैवल करके आई हूँ, 3 दिन तो मैंने देखा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, बट देन एवरीथिंग वॉज फाइन एंड वी टुक ऑल प्रिकॉशंस, सब ने पूरे पूरे प्रिकॉशंस लिए, हमने बहुत कम लोगों के साथ बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ शूट किया, सो आई थिंक वेर ऑल गुड। मुझे इतना डर नहीं लगा क्योंकि मेरा बीच में वेब सीरीज़ का शूट भी हो रहा था, वो भी प्रिकॉशन के साथ में हो रहा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कैसा किधर क्या कैसा बचना है। डर तो हमेशा रहता है बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम छोटी टीम के साथ पूरे प्रिकॉशंस के साथ गाने शूट करें और आप सबको एंटरटेन करते रहें क्योंकि काम करना भी ज़रूरी हो गया है एंड वी गॉट टू लिव अप टू इट एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू टी सीरीज फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, जो आज हम इस गाने को लॉन्च कर पाए हैं उस पर एंड दे ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज द सॉन्ग इज़ डूइंग फैंटास्टिक एंड बस आप सबको सपोर्ट मिलते रहेगा तो आई थिंक टुमारो मॉर्निंग विल बी ट्रेंडिंग नंबर 1 इंशाल्लाह, रात में हो जाएगा। यो हेक्स, आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक हेक्स बिकॉज दे रियली सपोर्टेड अस एंड एसोसिएटेड विद अस for the launch and it's a lovely place and I'm going to keep coming here for you know all my parties and all my events, it's a beautiful place. Gana humne Dubai mein shoot kiya hai and we are very thankful to the Dubai government, unhone hame bahut support kiya and we specially got an area jahan bahut kam shoot hue aaj tak, in fact I think बुर्ज खलीफा वाला गाना जो आप देखते हैं वो शूट हुआ और हमारा गाना शूट हुआ है, सो वी वुड लाइक टू स्पेशली थैंक दुबई फॉर सपोर्टिंग अस फॉर द सॉन्ग। नहीं, आई स्पेशली लव जन्नत एंड फैजू एंड अयान, ही इज ऑलवेज बीन अ ब्लेसिंग फॉर अस, सो हमें बहुत पसंद करते हैं लोग एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि हमें इतना प्यार देते जब भी हम आते हैं और आज तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिया, वी आर लाइक अबाउ 1 लाख कमेंट्स एंड यू नो दैट्स अ लॉट ऑफ लव फॉर अस और ऐसे ही प्यार देते रहे और हम ऐसे ही गाने आगे बनाते रहे। कैसी केमिस्ट्री थी राम जी के साथ? तो मेरी तो हमेशा तूफानी होती है बहुत अच्छी होती है। शेयर करना चाहेंगे दुबई का? हाँ, बहुत सारे चीज़ें हुई और बहुत एडवेंचर भी किया हम लोगों ने और जैसे कि एक डेजर्ट सफारी का सीन भी था जो कि बहुत अच्छा था बहुत हम लोग ने एंजॉय किए लास्ट डे शूट पे और शूट के दौरान भी बहुत बहुत सारी चीज़ें की हम लोगों ने।
It's actually less like a shoot and more like a picnic and a family yeah. vacation for us whenever we're going for a shoot. Shoot कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है. तो हम shoot पे ज़्यादा enjoy करते हैं और it's more like a family time and especially we'd like to thank Zubair ji and मैम जो हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत मज़ा आता है पूरी फैमिली के साथ मुझे शूट करते हुए. टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टाइटल मर्दा सारा इंडिया बताया ना, स्पेशली गाना लिखा गया था कि फैजू एंड जन्नत, यू नो वी हैव टू फ्रूटी लगती है के बाद वी क्रॉस लाइक अराउंड 125 मिलियन. सो हमें गाना करना था जो मतलब एकदम तबाही मचा दे एंड यू नो वी हैड टू राइट समथिंग फॉर जन्नत फ्रॉम फैजू, यू नो. तो तू इतनी सोनी है, तेरे ते मर्दा सारा इंडिया. So they are, as it is known, as the queen and king of the digital, and you know people love to see them. So especially lyrics or composition, video filmaya hi especially for Jannat and Faisal. Thank you, bhai. Nee, I love India. I love my India, but we like shooting in India and Dubai. बहुत अच्छा गाना है और बहुत time बाद पाजी का गाना कुछ something fruity लग गई type, मतलब वो level का लगा और गाने में है obviously. ट्रेंडिंग बॉय मिस्टर फैसू और जन्नत, तो गाना तो चलना ही है. बहुत अच्छा लगा और शूट भी काफ़ी अच्छा हुआ. बहुत ही ज़्यादा सुबह देखा था गाना, बहुत अच्छा लग रहा है और जस्ट वॉन्ट टू विच देम कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू सॉन्ग. एंड राम जी ने जो गाना गाया वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है गाने का, बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं और बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द सॉन्ग. एंड राम जी की अच्छी बात यह है कि वो जो भी शूट करते हैं बहुत ग्रैंड लेवल पे शूट करते हैं और ये उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया इस वीडियो के थ्रू कि ये जो वीडियो है बहुत ही ग्रैंड लेवल पे शूट हुई है और एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ दिया गया है जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर. और जब जन्नत ने एक लाइन भी बोली थी उसमें, तो वो मैंने देखा पूरी वीडियो अच्छे से, तो मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी. दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों बहुत अच्छे लगे. नहीं, आशी तो गोवा घूमने गई थी, मैं उसके बाद गया था शूट के लिए अनुष्का के साथ और वो गाना भी नो डाउट बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा फील है उस सॉन्ग में. उसमें आपको सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा और हम दोनों ने उसको शूट किया तो हम लोग भी बहुत सरप्राइज थे जब हमें स्टोरी का कॉन्सेप्ट पता चला और जिस लेवल पे शूट किया गया है. तो वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड, बस जल्दी से आए. तो बस मैं इतना बता सकता हूँ कि 2020 में नहीं आएगा, 2021 में आएगा और बहुत अच्छा आएगा. बहुत ही अच्छा शूट हुआ है. सबसे पहले देखते ही मुझे बहुत मज़ा आ गया था, सुनते ही हम लोग साथ में बैठ के देख रहे थे और हमें लगा था यार ये ऐसा कुछ करने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगे. और जिस दिन ये अपॉर्चुनिटीज आई और फिर ऑडिशन दिया तो ऑफकोर्स मतलब दिल से दिया था और फिर भगवान ने सुन ली एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी. उस दिन उन्होंने बात तक नहीं करी थी, मैं हीरो बात नहीं कर रही थी. हम दोनों मिलकर दुनिया को बचाएंगे. बिल्कुल अभी फॉलो नहीं कर पा रहे बिग बॉस, हम तो शूट पे रहते हैं फिर वापस आते हैं सो जाते हैं. हीरो भी नहीं फॉलो कर पा रहे, हीरो भी हम लोग सोने लगे ऐप पे देखते हैं कर पा रहे हैं क्योंकि आते वक्त इतना ट्रैफिक होता है, ये ट्रैफिक में फंसे रहते हैं. वेल मैं पर्सनली यू नो जितने हमारे फैंस हैं मेरे दादा के, हम उन्हें दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे क्योंकि वो लिटरली हमें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है एंड मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, दादा बहुत अच्छे लगते हैं. तो हम अपने फैंस को दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे और मैं पर्सनली भी थैंक्स कहना चाहूँगा बिकॉज मेरे यूट्यूब में 1 मिलियन हो गए और इंस्टाग्राम पे 6.6 मिलियन हो गए. सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिना एक्टर बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें डिजिटली भी मैं यू नो एक्टिव रहता हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं तो उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा. एंड येस, आने वाला साल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आने वाले साल में बहुत ही पॉजिटिव होप्स के साथ हमें जाना है और पिछले साल जो भी हुआ है जैसा भी हुआ है और हम सबको उससे भी बेटर और स्ट्रॉन्गर 2021 में एंटर करना है. बाकी आप सब ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट बनाइए और ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए. हाँ मतलब मैंने ऐसे अपने मुँह से बोलना अच्छा नहीं लग रहा था दैट आई एम द यंगेस्ट यू नो मेल एक्टर जिन्होंने यूट्यूब पे 1 मिलियन यू नो सब्सक्राइबर टच किया है. तो ये जान के बहुत अच्छा लगा और मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया ये बात सच है नहीं तो डायरेक्ट मेरा ही नाम आया पहले से सिद्धार्थ निगम. तो मैंने तुरंत अपने भाई से शेयर किया और भाई रात को फिर केक लाया. हाँ फिर उन्होंने मेरे रात को केक लाया, हमने केक कटिंग करी, सेलिब्रेट किया घर पे ही और बहुत अच्छा लगता है यू नो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं. बस मैं भी यही ट्राई करता रहता हूँ, मैं भी अपने काम से आप सबको यू नो इंस्पायर करता हूँ. हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस. अच्छा लग रहा है, हाँ धीरे धीरे बड़ी खुशियाँ आ रही हैं और राम जी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड. आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे कन्विंस किया था कि गाना गा लो पिक्चर में. किसी सिंगर की डेट नहीं थी, नहीं एक्चुअली राम जी ने ही प्लान किया था. एक्चुअली सिंग्स वेरी वेरी मुझे राम जी बोले कि आप गाना गा लो,
तो मैंने कोशिश की, लेकिन इन्होंने अच्छी ट्यूनिंग की थी उसकी इन्होंने गाया बहुत अच्छा था नहीं जब इनसे गवा सकते हैं तो मैं तो थोड़ा सिंगर हूँ ही तो आई केम टू नो के राम जी का लॉन्च है तो डेफिनेटली फॉर हिम वी आर देयर बोथ ऑफ अस सुदेश जी एंड मी तो वेरी हैप्पी. अच्छा ये साल ख़त्म हो रहा है, बहुत ही ख़राब रहा है, बट आई थिंक अभी जैसे जैन आ रहा है धीरे धीरे थोड़ी बहुत अच्छी न्यूज़ मिल रही है कि थिएटर खोल रहे हैं चीज़ें. हाँ जी हाँ मैं भी आ रहा हूँ बाहर आजकल बिना मास्क के तो कोई टेंशन नहीं है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू राम जी, जस्ट वेटिंग के ऐसे ही राम जी लाइमलाइट में आते रहें, उनके एल्बम उनकी फिल्में रिलीज़ होती रहें एंड सून वील सी राम जी डूइंग द अभी इज डूइंग बेस्ट ऑफ वर्क बट बेस्ट ऑफ फिल्म वेरी सून. तो आई विश द बेस्ट फॉर हिम. सर लॉकडाउन कैसा लगा? हाँ जी लॉकडाउन में कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे, कुछ चीज़ें छूट गई? मैं कश्मीरा के साथ, अब सोच लो कैसा निकला आप सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक, इनके सारे गाने हिट होते हैं हमेशा ही, बच्चे बच्चे की जुबान पे कहते हैं ना गाना तो वो इन्हीं के होते हैं क्योंकि इनके मॉडल भी जो है बड़े स्मार्ट होते हैं जैसे जन्नत है कैजू है और खुद इतनी अच्छी आवाज़ है और इतनी तारीफ करने का मेरा मतलब यही है कि मुझे भी मौका दें थोड़ा कभी बहुत वी आर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और 100,000 कमेंट हो चुके हैं गाने पे विद इन लाइक 6 आवर्स. इट्स लाइक अ न्यू रिकॉर्ड एंड इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब. तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी इतना सपोर्ट देने के लिए, भूषण जी को, रचना जी को, टी सीरीज़ को एंड ऑल आर फैंस. एंड आप सबकी वजह से, आप हमेशा इतना प्यार देते हैं, आप सबकी वजह से एंड सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम आज नहीं ये मुझसे बड़े हैं, इनकी ब्लेसिंग चाहिए काम ट्रैक पे आ गया है. हाँ क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सारी चीज़ें ट्रैक पर आना. तो लॉकडाउन खुलते हमारा शो तो ट्रैक पर आ गया था लेकिन बाकी चीज़ें ट्रैक पर आना ज़रूरी हैं. तो वी वांट फिल्म्स के फिल्म थिएटर में लगें, ऐसे ही लॉन्चेस हों. आजकल कहाँ लॉन्चेस हो रहे हैं, बहुत कम होते हैं. तो टी सीरीज तो हमेशा ही रहता है ट्रैक पे और हिम्मत बिल्कुल बिल्कुल. तो इनकी भी हिम्मत है और टी सीरीज की भी हिम्मत है, बहुत अच्छी बात है. एंड वी विश द बेस्ट ऑफ लक टू द होल टीम और हम विश करते हैं कि ये गाना सुपर डुपर हिट हो और फिर क्लब में हम इसी गाने पर नाचें. बस दुख है, मतलब खुशी है कि नहीं नहीं खुशी है, कश्मीरा पूरे बाहर आ चुकी है. आप क्या कहना चाहेंगे सुदेश? उसकी खुशकिस्मती है और इसकी इसकी भी खुशकिस्मती है. मेरे तो मतलब सारे अच्छे हैं. कश्मीरा फेवरेट है, कश्मीरा मेरी सबसे फेवरेट है. उसने मुझे 1,500,000 अभी उधार दिया था जो जो देता रहे मेरा फेवरेट जल्दी जल्दी आए हम सब ऐसे ही, ये तो हमारी मजबूरी है कैमरे के सामने ऐसे खड़े रहते हैं लेकिन हम भी सारे कवर रखते हैं तो फिर खुल के आए, थोड़ा जल्दी जल्दी आए ये अच्छी बात है. बहुत सब खुश हैं इसमें, बस सब हम चाहते हैं अभी सब ठीक हो जाए और खुशी खुशी हो और इतनी खुशी आए और मतलब वो जो हमारे किसान है कहीं के भी हों कहाँ भी रहते हों उनके साथ बेइंसाफी ना हो. हर समय की सरकार को ये चाहिए कि उनके सारे आर्टिस्ट यही कह रहे हैं एक्चुअली उनके बारे में कि उनको सपोर्ट करना चाहिए सभी को और उनकी जितनी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए. बिल्कुल डेफिनेटली पूरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है. थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू द ऑडियंस के वो इतना पसंद कर रही है शो को और शो इज़ डूइंग वेरी वेल. 2 साल हो गए हमें शो को, अभी हमने दिसंबर 2 साल पहले शुरू किया था और 2रा साल कंप्लीट हुआ, 3रा साल लगने वाला है. तो आजकल टेलीविज़न पे सालों साल जो शो चलते हैं थैंक्स टू द ऑडियंस और हम मेहनत भी बहुत करते हैं. बहुत जल्दी हमें ये है कि सुदेश जी जो हैं वो आ जाएं. सुदेश जी को हम मनाते रहते हैं कि कभी आएंगे सुदेश जी तो सुदेश जी विल कम सून, तो हमारा जो ग्रुप है वो पूरा और भी कम्प्लीट हो जाएगा. सुदेश जी को बोलते हैं कि कपिल के शो में हम मनाते रहते, क्या मनाते हो ऐसे थोड़ी बात है, ये मेरे को मनाते रहते फ्री आ जाओ हैं और अभी खूब सारा पैसा देंगे इनको और फिर नहीं नहीं मैं तो खुद चाहता हूँ मुझे जल्दी जल्दी बुलाएं और मैं आऊँ और इसके साथ तो मेरी जोड़ी है और मैं फिर चाहता हूँ जल्दी जल्दी मैं आऊँ. हमारी एक और दोस्त आ गई यहाँ पे, क्लॉडिया. क्लॉडिया कम अब क्लॉडिया क्या कहना चाहेंगे आप?
राम जी का लॉन्च है आज, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ये गाना? मैं सुनना चाहती हूं। आप लाइव सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, और क्या, तो ऊपर क्लब में सुनेंगे हम। हां बिल्कुल, या तो आप भी लाइव परफॉर्मेंस भी हो जाएगा तो रहेगा। हां ऊपर हम लोग करेंगे, डेफिनेटली लाइव परफॉर्म करेंगे आपके लिए। और क्या, तोरा तोरा डांस भी हो जाएगा। तोरा तोरा डांस हो जाएगा। चांद सये मुखड़ा ऊपर से माथे पे बिंदिया, नी तू इन्नी सोनी है, नी तू इन्नी सोनी है, नी तू इन्नी सोनी है, तेरे ते मरदा सारा इंडिया। कुछ अच्छा होना चाहिए तो ये अच्छा हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। और आर्टिस्टों के लिए ही ये 2020 लोग कहेंगे बुरा गया, लेकिन मेरा मानना है कि जितना बुरा गया उतना अच्छा भी गया, क्योंकि जो लोग क्रिएटिव हैं, क्रिएट करना चाहते थे, उनको भरपूर समय मिला है क्रिएट करने का, कुछ नया करने का, और उस नए की एक ये कहते हैं प्रेजेंटेशन है आर्टिस्टों की तरफ से कि कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है। और जितना भी अभी आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जितने गाने या जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। कारण यही है कि जो आर्टिस्ट को टाइम नहीं मिल रहा था क्रिएट करने का, वो अच्छा क्रिएट करने का टाइम मिला है। सो ऑल दी बेस्ट टू दी होल टीम ऑफ रामजी गुलाटी, जन्नत और फैजू, आई विश ऑल द बेस्ट टू दी होल टीम, और उम्मीद करता हूँ कि ये गाना भी बाकी गानों की तरह अच्छा जाए। रामजी गुलाटी हैज बीन अ फैमिली, आई हैव नोन हिम, आई हैव फॉलोड हिज वर्क फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, and every time he creates a composition there is something extremely intriguingly exciting about whatever he does, with so much of passion, the videos, the colors, the beats, the peppiness, the effervescence, the vibrance, everything is clutter breaking. I'm a huge fan of his work for almost 10 decades, and every time I listen to his new composition, you can never get enough of Ramji Gulati's work. Even this one, which is Marda Sara India, I'm sure is going to be equally exciting. In fact, I must share this, that Marda Sara India, Ramji Gulati de upar aur uske music de upar. Looking forward, wish him all the best. God bless all the best. Take care. इंडिया फोरम्स की तरफ से पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया फोरम्स हिंदी को।